सुरेंद्र जी। क्यों, किसी और का इंतजार था? लो, दुकान अच्छा बना लिया है। अमृतसर से डबल है नी? यहाँ सभी डबल है वहां से। उनकी कितना आदत है ना आपकी, जब भी खटकती है कोई बात तो मेरा खाना लेके दुकान पे आ जाती हो, ये जानते हुए कि खाना तो सवेरे ही दे देता सी। डबल डबल सब ठीक? तो बेटा बाकी सब ठीक? हाँ, पर आप क्यों ऐसे बात कर रहे हो? ऐसे क्यों बात कर रहे हो? मतलब मैं जानना चाहती हूँ कि सब कुछ ठीक चल रहा है ना? कूल कूल स्कूल इज कूल, बिल्कुल मेरी रियाज तरह। मेरी? तुम मेरी हो ना? पली की बकरी। रिया, तुम बहुत बोरिंग हो यार। गॉसिप दो, कुछ बात करो। अच्छा ये बताओ, रणबीर और दीपिका के बीच में क्या हो रहा है? नहीं नहीं नहीं, अभी उसका रणबीर के साथ चल रहा है। अरे अच्छा, रणबीर के साथ चल रहा है। ओहो, आई सी। और स्कूल में तुम्हारे जो लीडर्स हैं उनके क्या हाल चाल है? लीडर्स, वो तो बड़ा इतराज है, इलेक्शन के रिजल्ट्स नहीं आए, बॉस जमा रहे। बॉस? वाओ रिया, कितना वजनदार हिंदी का वर्ड यूज किया तुमने। हिंदी में तो तुम्हें बहुत अच्छे मार्क्स आते होंगे ना? हाँ मॉम जी, हिंदी में तो सिर्फ 11 मार्क्स ही। ग्यारह नंबर गॉसिप में? बोलो, आप चुप क्यों हो? सूरी क्या कर रही है? गुस्सा तू? देख ये मजाक का वक्त नहीं है। ओए थूक के जा, ऐसे गुस्सा अंदर रखेगी ना तो खा जाएगा तुझे, फिर किसी और पे फटना है। फटना है ना तो फटने दे, वैसे भी मुझे क्या फर्क पड़ता है। तू रिया के स्कूल में गई थी, उसके टीचर से मिली थी कि नहीं? मुझे बताया नहीं ना। अब रिया को क्या लगेगा कि यही तरीका सही है? ऐसे ही लगेगा ना। मान ली ना गलती मैंने, और तेरे पॉइंट भी समझ आ गए मैनू। अब गुस्सा पा ना मिट्टी विच। ओए निक्की सुन ना, ओए दिल दी गल सुन। अब एक उस दिन जब तूने मुझसे कहा ना कि बरसों पहले मैंने तेरा हाथ छोड़ दिया था, आज जब रिया का हाथ पकड़ने का मौका मिला ना तो मैंने लगा मैं तेरा हाथ पकड़ रही हूँ। कैसे छोड़ती मैं बता मुझे? नहीं सोचा ना दिमाग से, दिल से सोचा मैंने। और वो की गलती, मैं तेरी तरह थोड़ी ना हूँ वो मिस परफेक्ट। मैं परफेक्ट होती ना तो तुझसे कभी नहीं लड़ती, समझी? नहीं नहीं, पहले गुस्सा थू। अरे अब मैं गुस्सा नहीं हूँ सच्ची। ओए जब तक थूकेगी नहीं तब तक पता कैसे चलेगा तुझे? हा? चल चल रेडी रेडी चल, टेक्निक तो नहीं भूली ना तू? हैं, याद है तुझे? ओए होए देख, गुस्सा यहाँ होता है लेकिन जोर ना यहाँ से लगाना पड़ता है, यहाँ से धीरे 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 यहाँ गले में एकदम। क्या गुस्सा ले, चीपड़ी करेगी ऐसे करेगी? ओए सच में थोड़ी थूकना है, थूकने की एक्टिंग करनी है बस। कर, नहीं होगा मुझसे सूरी। ओए कर चल, दिमाग का गुस्सा यहाँ से यहाँ थूक दे। यारा सालों बाद मिले, यारा सालों बाद मिले, जाने कब के कितने राज खुले। और मुझे वादा कर कि रिया के बारे में कोई भी बात होगी तो तू मुझे बताएगी, प्रॉमिस कर। पक्का पक्का बता दूंगी तुझे, ऐसा उसे मौका ही ना दे ना कि ऐसा कुछ करे। निकी सारे बच्चे पढ़ाई में एकदम इंटेलिजेंट नहीं होते ना, जरूर तो नहीं है, पर दुनिया में और भी इन्ने काम है। हो सकता है रिया का टैलेंट पढ़ाई के बाहर हो, फिर वो अपनी वो है ना क्या, वो सानिया मिर्जा, अब किसे पता वो टॉपर थी कि नहीं। सूरी हॉबीज इंटरेस्ट सब ठीक है यार, पर जब तक वो पढ़ेगी नहीं वो लाइफ में आगे कैसे बढ़ेगी? कमाल है निकी, तूने ना पढ़ाई की रट्टी लगा रखी है सच में।
तुझे क्या फर्क पड़ता है? जस्सी टॉपर है ना, इसीलिए तुझे सब सही लगता है। अगर मेरी रिया टॉपर होती ना तो मैं टेंशन फ्री घूमती। ओए, एक मिनट, तुझे ना टेंशन फ्री करने का एक आइडिया है मेरे पास। आइडिया? रिया की पढ़ाई के बारे में तुम जो कुछ भी कह रही हो वो गलत नहीं है, बस समझाने का तरीका गलत है। अगर मैं सूर्य की तरह होती ना तो शायद कोई टेंशन ही नहीं होती। जिंदगी भी ना पानी की तरह, जो बातें हाथ से निकल गई सो निकल गई, फिर चाहे मुट्ठी कितनी भी बंद करके रख वो कैद नहीं रहेगी, क्योंकि जिंदगी तो आखिर जिंदगी है ना, वो तो चलती रहेगी। मुट्ठी खोल कर देखोगे कुछ नहीं मिलेगा। सिमरन, वो सारी बातें हम बहुत दूर छोड़ा है, उन्हें पकड़ कर रखने का कोई मतलब नहीं है, कोई फायदा नहीं है। या जाने दो, जस्ट लेट देम गो सिमरन, लेट देम गो। मैं बहुत कोशिश करती हूँ राज, बार बार वही बातें, पता नहीं क्यों। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। रिया, तुम्हें समझ आया या फिर तुम रिपीट करोगी? बिल्कुल लोरी की तरह सुनाई दिया। आई एम नॉट मेड फॉर दिस क्रैप यार, दिस इज नॉट माई लाइफ। मेरे दिमाग में ना पार्टी है, ये थर्मोडायनामिक्स नहीं। रिया, तुम कहाँ जा रही हो? अपनी लाइफ जीने, प्लीज मुझे मत रोकना, मैं थक चुकी हूँ और पक चुकी हूँ। अरे पर रिया सुन तो। रिया, क्या हुआ? पार्टी? कौन सी पार्टी रिया? जाओ और जाकर पढ़ाई करो, जाओ। मैं भी तुम्हारी तरह इस अंधेरी कोठरी में घुट घुट के मर जाऊंगी। अंधेरी कोठरी है? रिया, पर यहाँ पे तो सब दिख रहा है। तुम्हें फिर भी नहीं दिख रहा कि तुम कितनी बड़ी उल्लू हो? रिया, मुझे पता है तुम परेशान हो, इसलिए इतना चिल्ला रही हो। देखो, अगर तुम्हें कोई वो चीज करने से रोके जो तुम्हें करना ही करना है तो तुम्हें कैसा फील होगा? रिया, तुम्हारे हर सवाल का एक ही जवाब है, पढ़ाई। यार, पढ़ाई तो मेरे सिर के ऊपर से निकल जाती है। कितना ट्राई किया मैंने, पर पढ़ाई और मैं दुश्मन है, बेस्ट फ्रेंड्स नहीं, मोमजी और सूरी आंटी की तरह। सूरी आंटी, क्या हुआ? जस्सी, तुमने नोटिस किया है मेरी मोमजी तुम्हारी मम्मा जी की कितनी बात सुनती है? वो तो बॉम्ब डिफ्यूजर है। बॉम्ब डिफ्यूजर? रिया, तुम टेररिस्ट जैसे क्यों बात कर रही हो? मैं हूँ टेररिस्ट और तुम पीस मेकर। जैसे जो चीज मैंने कर सकती वो तुम करोगी ना? कहाँ फंस गई रिया, तुम मुझे क्या करवाओगे? मुझसे कुछ नहीं होने वाला। ऐसे मत कह जैसे, तुमने मुझे पढ़ाया लिखाया पाला पोसा, इस काबिल बनाया कि अब मैं गर्व से कह सकती हूँ कि जैसे मुझे अपनी मेहनत का फल चाहिए। मुझे पढ़ाई के बदले पार्टी चाहिए, पार्टी जैसे पार्टी। नहीं नहीं रिया, तुम्हारी तो मॉमजी ने मना कर दिया है ना, तो तुम अपनी मम्मा जी को मनाने कहो ना। नहीं, मेरी मम्मा जी क्यों पीछे बोलेगी? क्योंकि तुम उन्हें बताओगी जस्सी,
कि रिया बिचारी पढ़ पढ़ के परेशान हो गई है, उसके बाल ग्रे हो गए, उसे रिफ्रेशमेंट की जरूरत है और उसकी सबसे बेस्ट फ्रेंड के घर पे पार्टी है, तो उसे पार्टी जाना ही होगा। पर रिया, देखो जैसी, क्या तुम नहीं चाहती कि मैं एक भी दिन खुशी से जीऊं? जैसे तुम मेरी इतनी अच्छी दोस्त हो, क्या मेरे लिए इतना सा नहीं करोगी? क्या कहेंगे वाहेगुरु? नहीं, वाहेगुरु जी की तो पाप लग जाएगी, मैं दोस्ती के लिए इतना तो करोगी ना जस्सी? पर आखिर अपने ही तो अपनों के काम आते हैं, है ना? For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.